अरे बाप रे, अब तो बहुत तेज बुखार है। रुकिए माँ, रुकिए, मैं डॉक्टर को लाता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे झोला, सुन, हम ये जो दवाइयाँ लिखे दिए थे, सेगुलो तो खाओ दे दे। नहीं जोर कुंभे की करे, जा बाबा, आगे औषध के ना व्यवस्था कर। कौन है भाई? मैं बोला चाचा जी, आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? माँ की तबीयत बहुत ही खराब है चाचा जी, बहुत ही खराब है। अशु, क्या तबीयत खराब है? तो डॉक्टर के पास जाना। मेरे पास क्यों आया? डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने दवाई दी है। दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। कुछ पैसे दे दीजिए चाचा जी, वरना कोई फायदा नहीं है। तो कहीं और जाए। अब दवाई कहाँ से लाऊंगा? कौन देगा मुझे दवाई के लिए पैसे? कौन देगा? अब माँ को मैं कैसे ठीक कर पाऊंगा? कैसे करूंगा? कौन हो आप? मैं वन देवी हूँ। तुम क्यों रो रहे हो बताओ? मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी माँ के लिए दवाई खरीद सकूं। और माँ तेरा क्यों नहीं है? कोई नहीं है। तेरा क्यों नहीं? मेरी मदद कीजिए। ये जादुई चप्पल लो, इटा पाए गोली लापाली, तुम्हें सोने का सिक्का मिलेगा। और मुझे याद रखना, एक बार में एक बेशी टाका मत निकालना, क्योंकि हर बार लाभने के साथ साथ तुम थोड़े छोटे हो जाओगे। उसके बाद एक दिन पूरा आराम करने से पहले की तरह लंबे हो जाओगे। पर अगर एक साथ किया तो तुम एक मच्छर के जैसा छोटे हो जाओगे। याद रहेगा ना बुला? हाँ हाँ, याद रहेगा, मुझे बिल्कुल याद रहेगा। छोटी लाभ वाले सोने का सिक्का निकलेगा। चलो देखो तो। अरे सच्ची में, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरी माँ के लिए दवाई खरीद पाऊंगा। अब मुझे किसी के पास पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे। पैसों का इंतजाम कहाँ से लिया? चाचा जी विश्वास कीजिए, मैंने किसी के पास सिक्का नहीं लिए, चोरी भी नहीं की। मेरे दुख को देखकर मंडी ने मुझे एक जोड़ी चप्पल दिया और कहा इसे पहनकर कूदने पर एक सोने का सिक्का निकलेगा। क्या कहा? सोने के सिक्के? कूदने पर सोने का सिक्का? पूरी बात जाननी पड़ेगी। बोला बोला जो तू कह रहा है वो सच तो है ना? हाँ चाचा जी, मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ चाचा जी। एक बार लाभ कर दिखा फिर मैं यकीन करूँगा, वरना चाचा जी मैं तो वो चप्पल का जोड़ा घर पर रख कर आया हूँ। चल कर दिखा, उसके बाद ही कुछ करना। अपनी जादू चप्पल दिखा जरा। ये रही, यही एक जोड़ी चप्पल मुझे वन देवी ने दिए है। मुझे दे, मुझे ले ले, अमीर अफी कर देखता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, इसे पहन कर कूद कर देखिए, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं, देख लीजिए। ये तो सच में इस चप्पल को हथियार ही पड़ेगा।
बोला बोला तू इस चप्पल की चोरी को बेच दे, बिक्री कर, मैं खरीद लूंगा। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसे छोटी बिक्री कर बोल, इसे तो वन देवी ने मुझे उधार नहीं दिया है। तोड़े ही वन देवी की कहानी पर मुझे विश्वास नहीं है। बोला विश्वास करो, वन देवी ने प्रसन्न होकर मुझे ये दिया है। ठीक है, तो फिर मैं भी अपनी खुशी से एक दिन के लिए जा रहा हूँ। कल सुबह घर चले आना, मैं ये चप्पलें लौटा दूंगा। कभी नहीं चाचा जी, चाचा जी भी बेशी लोग ने ज्यादा लालच करने से बोले से एकदम चुप, बुक बंद हो। आज अभी बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, पूरा दिन सरकार दूंगा। आगे मेरे अच्छे सोने के सिक्कों का मजा ही अलग है। दो साढ़े तीन अस्सी आगे अस्सी तीन एक लंबी लगी जी। अब मेरे को थोड़ी सी थकान, थोड़ी देर खबर आवा हो जाए, मैं आराम कर लेता हूँ। अरे अरे देखो जरा मैं कितने सिक्के जमा हुए हैं। ये तो जमा किए हुए सिक्के तो सोने के पहाड़ की तरह दिख रहे हैं, ऊंचा है। अरे बाप रे, ये पेड़ आसमान की तरह लंबे कैसे हो गए? कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। छोटू ही गया, छोटा कैसे हो गया? चुनाव के ठोकी से ने मुझे धोखा दिया है। ये क्या है? कौन है ये? कौन सा जानवर है? अरे बाप रे, ये तो कितने विशाल मेंढक है। चाचा जी किधर गए? कोई किधर हो? अविश्वास ने तुम्हारे चाचा जी को समाप्त कर दिया। एक मनुष्य होकर भी तुम्हारे चाचा जी को एक मेंढक के पेट में जाना पड़ा। अब ये सारे सिक्के तुम्हारे हैं भोला। अपनी माँ के साथ तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। सच्चाई की राह पर चलना और कभी भी लालच मत करना भोला। कभी लालच मत करना। मैं ऐसा ही करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।